सब अच्छी लोग। तो आज संडे है, ऑलमोस्ट 1 बज गया, तो मंडे चालू हो गया, संडे रात है। तो मैंने रिपोर्ट कराया था सैटरडे को कल, और आई डोंट नॉट एक्सपेक्ट कि मेरा रिजल्ट आज आ जाएगा बिकॉज इट्स अ संडे एंड संडे को ऑब्वियसली। हाँ, मेरा रिपोर्ट आज ही आ गया। आई गॉट अ मेल टुडे सेइंग कि मेट्रोपोलिस से आया। आई वोंट लाइक गाइस, बट व्हेन आई लेजिट गॉट द नोटिफिकेशन दैट माय रिपोर्ट्स आर आउट, वो पता है वो फीलिंग आती है कि जब तुम्हारे एग्जाम्स हुए हैं एंड तुम्हारा रिजल्ट आया है 10th का, 12th का, इंजीनियरिंग का, कुछ भी हो, तो लेजिट माई हार्ट स्टार्टेड बीटिंग फास्ट। तो मेरा बहुत मन किया कि मैं वो मेल किसी और को भेज दूँ, ध्रुव को भेज दूँ या प्रथमेश किसी को भेज दूँ कि प्लीज़ देखो और मुझे बताओ कि क्या सीन है, बट आई डू इट। तो मैंने मेरा रिपोर्ट देखा, तो स्टार्टिंग में तो बहुत कुछ लिखा हुआ था, कि कहाँ दिखेगा कहाँ दिखेगा, तो बहुत कुछ लिखा हुआ था। एंड में पीडीएफ था, पीडीएफ पर लिख किया मैंने। तो जैसे पीडीएफ पर लिख किया, सो यस आई टेस्टेड पॉजिटिव, मतलब मैं पीडीएफ अटैच भी कर दूंगा या कर दिया होगा अभी तक पता नहीं, तो या इट्स डिटेक्टेड, सो दैट मीन्स आई एम कोरोना पॉजिटिव। आई स्टार्टेड मेकिंग कॉल्स, मैं पैनिक करने लग गया। एंड अगले 2 घंटे तक, जब मेरा रिपोर्ट्स आया अराउंड 1:30 और 2, आई डोंट नो, तो मेरा लेजिट ये पोर्शन पेन करने लग गया था चेस्ट का, एंड सेड कि इफ यू आर नॉट एबल टू ब्रीथ, अगर तेरे चेस्ट में कुछ प्रॉब्लम आता है कोरोना में, तो दैट्स द वर्स्ट साइन। बट मुझे लगा कि इट वॉज बिकॉज ऑफ दैट आई एम पैनिकिंग एंड नथिंग एल्स, तो इट गॉट फाइन द चेस्ट पेन। मैंने मेरे पेरेंट्स को आज तक नहीं बताया था कि ऐसा कुछ सीन हो रहा है, ध्रुव के साथ भी क्या होगा, बिकॉज माई पेरेंट्स वर इन दिल्ली मेरे भाई के साथ, एंड आई वॉज ऑल अलोन इन मुंबई, बिकॉज मुझे पता है मेरे माँ बाप, सबके माँ बाप, कुछ भी मालूम पड़ेगा बुखार हो रहा है कुछ भी हो रहा है कोरोना के वक्त में, तो मेरी माँ तो रो ही देती है। द फर्स्ट थिंग आई डिड वॉज लाइक, तो मैंने मम्मी को बताया कि ऐसा ऐसा सीन हुआ है, एंड एज एक्सपेक्टेड शी स्टार्टेड क्राइंग। आई लाइक, मम्मी शांत रहो यार, मैं आपको बता रहा हूँ। तो माई मॉम स्टार्टेड पैनिकिंग, एंड क्या हो गया, क्यों नहीं बताया, ये सीन है, क्या हो रहा है तेरे को, क्या हो रहा है। सो मैंने बोला कि कुछ नहीं है। सो राइट नाउ इट्स संडे, एंड सुबह मंडे, दैट इज सुबह 6 बजे की फ्लाइट पकड़ के वो लोग दिल्ली से मुंबई आ रहे हैं टू मीट देयर किड आफ्टर 3 मंथ्स जस्ट बिकॉज आई एम सिक, नहीं तो वो लोग नहीं आते है ना मम्मी। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज मैं घर पे अकेला रह रहा हूँ, एंड मेरा ऑब्वियसली खाने का सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, हो जाता है, आई कुक माई सेल्फ, तो बट कभी कभी नहीं कर पाता बिकॉज कंटाला बहुत आता है। तो आई वॉज लाइक कि मैं उनके पास चला, तो एटलीस्ट एक डॉक्टर होगा जो मेरे, जो जिसके छत्रछाया में मैं रहूँगा एंड कुछ भी हो सकता है। बट देन थोड़े मेरे बड़े बुजुर्गों ने कॉल किया दिल्ली से, माई फूफा जी, ही इज इन टू यही लाइन में है, तो ही वॉज लाइक कि मत जाओ, घर पे ही रहो, बिकॉज तेरे सिम्टम्स कुछ नहीं है, फालतू में वहाँ पे जाएगा वेर इन एवरीबॉडी इज इन्फेक्टेड, तो शायद ऐसा हो सकता है तेरे को एस्केलेट हो जाए जो भी तो सिचुएशन है। तो आई डेंट गो। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या है, जब भी आपको पॉजिटिव डिटेक्ट होता है, क्लिनिक वाले होते हैं जहाँ पे डिटेक्ट करता है, वो लोग गवर्नमेंट को नोटिफिकेशन भेजते हैं कि ओके दिस दिस पेशेंट हुज इज हियर हुज फोन नंबर इज दिस हैज डिटेक्टेड पॉजिटिव। तो मेरे को कॉल आया, एंड देन शी स्टार्टेड आस्किंग मी कि तुम्हारा एज क्या है, तुम डायबिटिक पेशेंट हो, तुम्हें बीपी है, तुम्हारा सिम्टम्स क्या है, एंड आई टोल्ड नन ऑफ द सिम्टम्स। तो उन्होंने बोला कि आइसोलेशन में जाना है, क्वारंटीन में। मैं बोला कि नो, आई वुड रादर प्रीफर स्टेइंग एट होम। तो उन्होंने बोला ठीक है, बट यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ एवरी शिट, लाइक यू कांट मूव आउट एंड स्टफ, एंड आई वाज लाइक या मैं नहीं करूँगा। तो इसी कारण मैं घर पे हूँ अभी क्वारंटीन, एंड कल मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं, एंड टुमारो व्हेन दे कम आई वुड ट्राई टू रिकॉर्ड अ व्लॉग, बिकॉज आपको सब बताना है। तो यही चल रहा है। सो या आई एम टेकिंग केयर, मैंने फ़ोन किया है कि मेरे घर पे माँ बाप आने से पहले आई वुड मेक श्योर कि मैं पूरे घर को सैनिटाइज कर दूँ अच्छे से। मैंने 2-3 कॉल्स किए, एंड सुबह आएंगे वो लोग मम्मी के आने के पहले। सो ऐसे रूम में जहाँ पे मेरे को बाहर निकलने की ज़रूरत ना पड़े, मेरे पास रूम भी है, मेरे पास टॉयलेट भी है, तो आई एम प्लानिंग टू शिफ्ट देयर फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, मैं बाहर नहीं निकल सकता। एंड मेरे मॉम डैड को आई विल गिव द हॉल, कि आप हॉल में मज़े कर सकते हो और आप दूसरे बेडरूम में कर सकते हो, तो अलग वॉशरूम भी है बाहर, तो दे विल यूज़ दैट। तो कल से ऐसा सीन चालू होगा। दिस इज़ अबाउट डे 1, तो कल मिलते हैं। सो शाम का रिजल्ट जब पॉजिटिव आया, तो मेरे को तो यकीन ही नहीं हो रहा था, मतलब मैं बोला पॉसिबल ही नहीं है। उसने मेरे को फ़ोन किया और बोला कि बच्ची देख मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आया, मैं बोला पॉसिबल ही नहीं है, ये येड़ा मस्ती मत कर, बोलते हैं रुक मैं तेरे को व्हाट्सअप करता हूँ। तो उसने मेरे को व्हाट्सअप किया, मैं बोला शिट, मतलब ये पॉसिबल ही कैसे है, क्योंकि लिए मेरे को ऐसा था कि मेरे को अगर 20 दिन पहले हुआ था बाई चांस, फिर मैंने पापा को ट्रांसफ़र किया और मेरा नेगेटिव हो गया, मैं क्योर हो गया हूँ, तो अब तक उसका भी इम्यून सिस्टम काम करके क्योर हो गया रहेगा। तो आई टोल्ड हिम कि 100% नेगेटिव आएगा, पर नहीं, मतलब पॉजिटिव आया। एनीवे सबके बॉडी के हिसाब से अलग अलग होता है। एंड और एक सीन था ना, उसके घर पे मम्मी पापा गांव में थे, तो खाना पीना टाइम पे नहीं होता है, मम्मी पापा नहीं रहते, तो शायद इसकी वजह से इम्यून सिस्टम ने बराबर काम नहीं किया रहेगा। बट एनीवेज नेक्स्ट डे ही उसके मम्मी पापा आ गए और मस्त उसको तगड़ा खाना पीना दे रहे, तो आई फील 3-4 दिन बाद वो ठीक हो जाएगा, एंड वापस एक रीटेस्ट करेंगे 3-4 दिन बाद, तो आई फील नेगेटिव आराम मतलब हो जाएगा। ऑब्वियसली कुछ बड़ा सीन नहीं है, बिकॉज उसको कुछ सिम्टम नहीं है, कुछ भी नहीं है, अभी ही इज़ वेरी फिट एंड फाइन, कुछ सीन नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव है।
तो दवाई चल रहा है जो होता है विटामिंस का, ये सब डॉक्टर ने दवाई दिया है वो चल रहा है, प्रॉपर मेडिकेशन मिल रहा है, प्रॉपर खाना पीना मिल रहा है, तो हो जाएगा। एंड आई थॉट कि मैं नेगेटिव होऊंगा, तो अभी जाएंगे शूट वूट करेंगे, थोड़ा काम चालू करेंगे, पर एनीवेज और 1 वीक ही डिले हो रहा है ना, और 1 वीक डिले हो जाएगा, 1 वीक और आराम कर लेंगे। तो ऐसा ऐसा सीन है कि ये सैटरडे का हम लोग ने वीडियो नहीं डाला था ना, मतलब ये सैटरडे, तो इस सैटरडे हम लोग को वीडियो डालना था, एंड वी हैड प्लान्ड कि हम लोग इंडिपेंडेंस डे पे डालेंगे, क्योंकि सैटरडे को इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, तो ऐसा बहुत कम होता है, तो वी वॉन्टेड कि हम एक इंडिपेंडेंस डे स्पेशल वीडियो बनाए। स्क्रिप्टिंग भी चालू हो गया था, एक बहुत क्रेजी कॉन्सेप्ट भी मिला था, पर वो बाहर शूट करना पड़ता, तो वो नहीं हो पाएगा, मतलब तुम लोग से ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हम लोग को रहा है कि हम लोग वो वीडियो अभी नहीं बना पाएंगे। लेकिन ऐसा है कि घर बैठे बैठे कुछ करने को है नहीं, एंड वी रियली वॉन्ट टू वर्क, इट्स नॉट फॉर यू गाइज, इट्स फॉर अस, कि हमको वीडियो बनाना है, हमको घर पे कंटाल आ रहा है। शाम भी बोला कि मेरे को कुछ है ही नहीं, मतलब आई एम नॉट फीलिंग वीक, आई एम नॉट फीलिंग गर्म फीवर भी और कुछ नहीं है, तो लेट्स डू इट ना। तो हम लोग ओल्ड स्टाइल लॉकडाउन में जैसे घर में बैठ के वीडियो बनाते थे, मैं आधा शूट करता था, वो आधा शूट करता था घर पे ही, सो वी आर प्लानिंग अ शूट लाइक दिस। तो सैटरडे को वीडियो आएगा, कॉन्सेप्ट इज अराउंड वॉट एवर वी आर गोइंग थ्रू राइट नाउ, बिकॉज रिलेटेबिलिटी, यू नो, सो विल सी यू गाइज ऑन सैटरडे। फंचो को नया वीडियो आएगा सैटरडे को, घर पे ही बैठ के शूट करेंगे छोटा मोटा, सो होप यू एंजॉय इट, सो विल सी यू नेक्स्ट सैटरडे विद अ न्यू वीडियो। कैसी थी आपकी फ्लाइट? सब बढ़िया। कहाँ रख रहे हो इसको? ये ले पकड़। पकड़ूंगा नहीं, आप नीचे रख के चले जाओ। बोलो। हाथ धोके पहले इसको खा। ठीक है। गरम-गरम अभी कभी खा, मेरे को रिपोर्ट कर। ठीक है। मत कर ले। आपकी फ्लाइट ठीक थी ना? एकदम फर्स्ट क्लास टकाटक। ठीक है, चलो मिलता हूँ। ओके। बाय। चल। चल इसको बंद कर। फिस्ट दो, फिस्ट ऐसे मारो। जाओ। चलो। हाँ हाँ, जाओ, मैं बंद कर रहा हूँ। अभी खा रहा हूँ मैं, अभी हाथ धो रहा हूँ साबुन से अच्छे से। ठीक है, वो बाल्टी गरम पानी की भर ले। ओके चलो, सुन खाना खा के ये बर्तन गरम पानी में धो कर रख दे। कूल, इसी में दूंगा तेरे को रोज। ठीक है। ओके गाइस, तो क्विक अपडेट, आज मंडे है, डे टू, बेसिकली डे वन। तो आज सुबह सुबह मॉम डैड आए हैं, एंड सुबह आ गए थे तो वो लोग, सीन ऐसा है कि मेरे बाजू वाले बिल्डिंग में मेरे भैया का घर है, सो दे आर स्टेइंग देयर राइट नाउ। मेरे मॉम ने पूरा खाना वाना सब वहीं पे अरेंज किया हुआ है, क्योंकि बिकॉज मैं अभी मेरे हॉल में, मेरे किचन में एंड मेरे बाजू वाले रूम में सैनिटाइजेशन करा रहा हूँ, जो भी रिक्वायर्ड है, ताकि मेरे मॉम डैड यहाँ पे आके रुक सके। तो वो दो, एक या दो दिन बाद आएंगे, अभी वो फिलहाल नहीं आ रहे, तो हॉल का डर हो गया, सैनिटाइजेशन जो भी प्रोसेस था किचन में हो रहा है, एंड ये रूम का बचा है, तो इसके बाद एक दो दिन बाद मॉम डैड आ जाएंगे, तब तक वो लोग वहीं से ऑपरेट कर रहे हैं। एंड लुक एट दिस फूड, दिस दाल रोटी एंड अनार। लेजिट आई एम ईटिंग मॉम के हाथ का खाना आफ्टर 4 मंथ्स। मैं अभी फटाफट जाके हाथ धो रहा हूँ, आई एम गोना टूट पड़ोफाई ऑन दिस खाना, बिकॉज या यो व्हाट्स अप, क्या है वो? होम क्वारंटीन 14 दिन। तो आपको मतलब 14 दिन अभी घर पे? मैं घर पे, तू भी तो घर पे ना, बोला था ना नीचे नहीं जाने का शाम। अरे तो शूट वूट करने के लिए थोड़ा हम लोग सेफ्टी रख के नीचे जा रहे थे, शूट वूट कर रहे थे, आप ही बोलते थे ना मेरे को वीडियो देखनी है, देखो अभी। पर तूने मुझे क्या बोला था? मम्मी मैं सेफली करूंगा सब, अब क्या करूं मैं? अच्छा वो सब छोड़ो, कैसा लग रहा है एक कोरोना पेशेंट की माँ बनकर? सच्ची में मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। क्यों? दूसरों को सुनती थी तो डर लगता था। क्यों, आपका बेटा जिम करता है इसीलिए? जिम नहीं करता है, मेरा बेटा है, इसलिए मुझे पता नहीं क्यों डर ही नहीं लग रहा है। अच्छा मम्मी सुनो ना, मैंने सुना है कि सैनिटाइजर में ना अल्कोहल होता है, तो मैं दारू पी लूंगा मेरा कोरोना उतर जाएगा। अपने घर में तो सैनिटाइजर करना भी नहीं, दूसरे वाला जो है ना रेज वाला वो करना, घर में अल्कोहल आएगा ही नहीं शाम, तेरे को पता है ना। अरे मतलब दारू से लेकिन कोरोना जाता है तो मैं पी लेता हूँ ना, अंदर चला जाएगा कोरोना। तो अंदर जाएगा ना? नहीं तेरे जाना ही। मजाक कर रहा हूँ बाबा, नहीं पीता मैं। अच्छा वो सब छोड़ो, और ऑडियंस को हाय बोलो, बोलो कब से वेट करे तेरी माँ दिखती नहीं वीडियो में, कुछ बोलो उनको। मेरे ख्याल में ऑडियंस ने सोचा कि आंटी आनी चाहिए, इसलिए मेरे बेटा को कोरोना हो गया और मैं दिल्ली। चलो चलो बहुत हो गया, चलो बाय बाय, रात को खाना लेके आना मेरे लिए, निकल जाओ चलो। अरे बैठ जा, मजाक कर रहा हूँ, थोड़ा बतिया थे। What's up? तो आज ट्यूजडे है, एंड इज इट डे टू और डे थ्री? संडे को रिजल्ट आया था, सो डे टू ऑफ क्वारंटीन आई सपोज। हाँ तो मैं आपको बताता हूँ कि डॉक्टर ने मेरे को क्या क्या सजेस्ट किया, बिकॉज अगर किसी के आसपास आपको लग रहा है कोरोना हुआ है या फिर आया है, तो दिस इज़ वॉट यूजली डॉक्टर्स
ask you to do when you're home quarantine. चार टैबलेट दिया. एक तो सबसे मेन टैबलेट होता है T.HCQ. टैबलेट का नाम है, फुल फॉर्म नहीं पता मुझे, मैंने पूछा नहीं. तो T.HCQ एंड ये 400 mg का होता है. सो शी वॉज लाइक कि पहले दिन डे वन पे टेक टू टैबलेट्स 400 mg का सुबह शाम, एंड फ्रॉम डे टू टिल डे फाइव टेक 200 mg एट वन टाइम, लाइक 200 mg का दो टैबलेट दिन में फ्रॉम डे टू टू डे फाइव. एंड इसके अलावा शी हैज आस्क्ड मी टू टेक जिनकोविड विटामिन्स का है एंड विटामिन सी. विटामिन सी में बहुत टैबलेट्स आता है बेसिकली, ये तो ओमेगा बिट सी है एंड लिम सी भी आता है बहुत ज़्यादा. सो ये फिलहाल मैं तीन टैबलेट्स ले रहा हूँ एंड ये तो विटामिन है, ये तो अगर आपको नहीं भी है फिर भी आप लेना चालू कर दो. आई डोंट नो अबाउट जिनकोविड बट लिम सी तो आप लो इफ योर हेल्थ गेट्स वर्स, अगर आपकी हेल्थ अभी थोड़ी बिगड़ रही है. सो पैरासीटामोल डोलो, अगर लग रहा है कि आपको बुखार हो रहा है तो दिन में दो टैबलेट ले लो. एंड ऑब्वियसली आफ्टर फूड, तो मेरा अभी खाने का टेंशन नहीं है बिकॉज माँ बाप आ गए जैसे कि आपने देखा. तो सुबह शाम आते हैं वो लोग चरण स्पर्श करने मेरे रूम में, बाहर रख के जाते हैं दूर से, हम दूर दूर रह रहे हैं फिलहाल. सो आई सपोज कि वो लोग आज रात को या फिर कल सुबह, दैट इज वेडनेसडे, दिल शिफ्ट टू माई प्लेस. तो यहीं पर फिर मैं कंटिन्यूस दरवाजा बंद रख के करूंगा एंड दिल ऑपरेट फ्रॉम आउटसाइड. मेरा घर पूरा सैनिटाइज हो गया है, मेरा रूम भी कर लिया था मैंने ऑन अ सेफर साइड, पूरा सैनिटाइज कर लिया है. सो इट्स सेफ फॉर देम. अगर आप फंक्शन पे वीडियोस देख रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग घर से ही शूट करेंगे. मैं तो मेरे रूम से ही करूंगा, घर से भी नहीं, इसी रूम में. आई एम लाइक पीपल आर लॉकडाउन एट होम, आई एम लॉकडाउन इन माई रूम. तो हाँ अब यही है, 14 दिन तक यही करते हैं. दिस इज ऑल आई कैन पुट इन ब्लॉग नंबर 2 एंड यही है मेरा अभी फिलहाल 14 दिन तक. सो होपफुली देखते हैं, कुछ आया दिमाग में तो एक और ब्लॉग बना दूंगा आपसे बातचीत करते वक्त, कुछ घर पर अगर कर रहा हूँ तो मैं. सो सी यू, थैंक यू सो मच. ब्लॉग 1 के नीचे मैं कमेंट्स में सब पढ़ रहा था एंड यू वर विद मी, आपने बहुत विशेस दिया, बहुत प्रे किया, बट ठीक है अभी हो गया यार, अभी चल रहा है तो आई विल गेट बैक स्ट्रॉन्गर पक्का. बस बने रहो साथ में एंड कुछ भी आपको लग रहा है तो क्वारंटीन हो जाओ. बाकी अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी जानना है, एनीथिंग, आ जाओ इंस्टाग्राम पे DM us एंड वी शैल गेट बैक टू ऑल ऑफ यू एज मच एज पॉसिबल. तो या ध्यान रखो एंड थैंक यू सो मच फॉर योर विशेज. सी यू.